हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टू हेल्दी लंच रूटीन। तो आज का जो लंच होगा बहुत ही हेल्दी होगा, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और हिमाद के पापा और मेरा नाश्ता हो गया है और वो अपने ऑफिस चले गए हैं। तो फिलहाल जो है ना, मैं थोड़ा सा बाहर देख रही थी और आज जो है ना धूप अच्छी से निकली हुई है, हमारे पास बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। सर्दी का मौसम तो जो है ना हमारा ऑलमोस्ट जा चुका है और आज दिन है फ्राइडे का और आज डेट है 22 जनवरी। तो जनवरी का महीना भी जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और ये जो कैलेंडर है नया है, तो मैंने इसको अभी फ़िलहाल में यहाँ पर लगा लिया है। बाद में मैं इसको किचन में लगा दूँगी क्योंकि जो है ना किचन में मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने 2 अंडे ले लिए हैं और यहाँ पर मैं हिमाद के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो चलिए, जब तक कि हमारे अंडे बॉयल होते हैं, मैं यहाँ पर बना लेती हूँ टोस्ट। तो ब्रेड को मुझे यहाँ पर टोस्ट करना था, तो मैंने टोस्टर को नीचे उतार कर रख लिया है। उससे पहले मैंने इसको साफ़ कर लिया है क्योंकि जो मेरा टोस्टर था ना वो ऊपर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको नीचे ले लेती हूँ। अदरवाइज़ क्या हो जाता है कि ये जो है ना इस्तेमाल में नहीं आता है, इसको हम बार बार फिर नीचे उतारने की तकलीफ़ होती है तो हम इसको यूज़ ही नहीं कर पाते। तो इसलिए जो है ना मैंने इसको भी नीचे उतार कर रख लिया है। अब मैं सिर्फ 2 ब्रेड को टोस्ट कर लूँगी क्योंकि मेरा तो नाश्ता जो है ना वो हो गया है। हिमाद के पापा के साथ में मैंने नाश्ता कर लिया था, अपनी जो सुबह की चाय है वो मैंने पी लिया था। उसके बाद जो मेरा खाना होता है वो डायरेक्ट जो है ना मैं लंच ही कर लेती हूँ। बाद में जो है ना मैं कुछ नहीं खाती हूँ क्योंकि मेरे पास जो है ना इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं और कुछ खाऊं। तो अभी जो है ना मैं थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी और 1 कप और एक्स्ट्रा मैं चाय भी पी लूँगी। तो यहाँ पर देखिए अंडे हमारे बॉयल हो गए हैं, तो हमारा जो टोस्टर है उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअल में हुआ ये कि मैंने जो है ब्रेड को जो है डाल दिया टोस्टर में, लेकिन वो जल्दी से ना टोस्ट नहीं हो रहे थे, शायद से ब्रेड जो है वो ठंडे थे इसलिए। तो इसलिए जो है ना मुझे बार बार चेक करना पड़ रहा था कि ब्रेड अच्छे से टोस्ट हुए हैं नहीं हुए हैं। 2 मरतबा इसको मैंने लगाया था। तो जो हमारा लास्ट व्लॉग था उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स मैं आपको दूँ, कुछ अच्छी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो थैंक यू सो मच इसको पसंद करने के लिए। तो हमारे जो टोस्ट हैं वो हो गए हैं, लेकिन 2 मरतबा मैंने इसको टोस्ट किया ना, थोड़ा सा जो है ये साइड से जल गया है, कोई नहीं ज़्यादा नहीं जला है, सिर्फ थोड़ा सा वो हल्का सा जल गया था। तो अभी मैं यहाँ पर इसके ऊपर बटर अप्लाई करूँगी, उसके बाद जो हमारे अंडे हमने शेल निकाल कर रखा है उसको हम इस पर काट कर डाल देंगे। तो ये जो रेसिपी है ना ये बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप लोग भी ट्राई करना। वैसे देखने में ना ये उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, मतलब खाने में ये बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आई। क्या होता है कि मुझे जो है अंडा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं अंडे बहुत कम खाती हूँ, लेकिन इस तरह से जो है ना अंडा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं कभी कभार जो है ना इस तरह से खा लेती हूँ। तो ये देखिए अंडों को जो है ना मैंने इस पर काट कर डाल दिया है। बस इसके ऊपर आपको थोड़ा सा नमक डालना है और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालना है। तो नीचे से जो है ना जो हमारा ब्रेड होता है वो क्रिस्पी लगता है और ऊपर से अंडे सॉफ्ट लगते हैं खाने में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना है इसको। तो चलिए, हमारा नाश्ता बन गया है, मैं अपनी चाय भी छान लेती हूँ, उसके बाद हम लोग अपना नाश्ता कर लेंगे। तो आप भी आइएगा नाश्ता करने के लिए। तो मैंने जो है ना इसमें से थोड़ा सा खा लिया था। तो अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और जो मेरा काम है वो ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया है। तो मैंने सोचा कि मैं फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि अभी नमाज़ के लिए जो है ना बहुत सारा टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ क्या हो जाता है कि हमारे पास जो है ना टाइम ही नहीं होता, तो ये डिले हो जाता है। तो 8 दिन से सोच रही थी मैं इसको साफ़ करने के लिए, तो अभी फाइनली मैंने इसको ले लिया है क्लीन करने के लिए। तो चलिए फटाफट जो है ना हम फ्रिज को क्लीन कर लेते हैं। वैसे मैंने जो है ना सोचा था कि मैं बस आधे घंटे में जो है ना इसको निपटा दूँगी, बस मुझे आधे घंटे में इसके जो रैक
रैक्स वगैरह हैं वो मैं क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं फ्रिज को जो है ना अंदर से अच्छे से पोंछ लूँगी। लेकिन उसके बाद जो है ना मेरे काम इसमें ज़्यादा बढ़ गए थे, मैं आपको आगे बताऊँगी कि कौन सा काम इसमें बड़ा है। तो चलिए फटाफट जो है ना पहले हम इन सबको वॉश कर लेंगे, उसके बाद हम फ्रिज की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको काते से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और मैंने सोचा कि मैं इसको कपड़े से बाद में पोंछ लूँगी। लेकिन पोंछने के बाद जो है ना मुझे फ्रिज ज़्यादा क्लीन नहीं लग रहा था, तो इसलिए जो है ना मैंने इसको पानी से बाद में वॉश कर दिया था। तो जितना भी पानी नीचे गिरा था ना उसको ही मुझे साफ़ करना पड़ा, और उसके बाद जो है ना मैंने फिर फ्रिज को पूरा हटा कर ही साफ़ कर दिया था। पूरा जो है ना मैंने उसके पीछे से भी सफाई कर दी थी, क्योंकि फ्रिज जो है ना हम जब भी क्लीन करते हैं तो हम ऊपर ऊपर से कर लेते हैं, तो जो पीछे का हिस्सा होता है ना वो फिर गंदा रह जाता है। तो अभी जो है ना मेरे पास टाइम मिल गया था मुझे। वैसे अगर मैं ये सोचती ना कि मुझे पीछे से भी क्लीन करना है तो शायद जो है ना उसकी क्लीनिंग आज भी नहीं होती, फिर मैं सोचती कि यार टाइम नहीं है। लेकिन फिर जो मेरा काम है ना वो कंप्लीट हो गया था, तो जैसे तैसे जो है ना 1-1.5 घंटा लगा था इसको साफ़ करने में, क्योंकि मैंने पीछे से भी सफ़ाई की थी जैसे कि मैंने आपको बताया। तो चलिए फटाफट जो है ना हम पहले पानी से वॉश करेंगे, पीछे की सफ़ाई करेंगे, उसके बाद जितना भी पानी हमने फेंका है ना उसको भी हम साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो फ्रिज है ना वो ऑलमोस्ट सारा क्लीन हो गया है। साइड की जो मेरी अलमारी रखी हुई है, जो मेरी क्रॉकरी यूनिट है, उसको ही मैंने हटा कर साफ़ कर लिया है। तो अभी जो है ना अच्छे से क्लीन हो गया है, अभी मुझे अच्छा लग रहा था देख कर। तो चलिए मेरा ये काम कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं जाऊंगी थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, जो है कोई मुझे नहलाना है। तो अभी जो है हमारे जोहे फ्रेश होकर आ गए हैं, लेकिन मैंने अभी हिमात को नहीं नहलाया है। तो हिमात जो है ना मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मम्मी मुझे भी नहलाओ, क्योंकि क्या होता है कि जब छोटे बच्चे को पहले हम तैयार करते हैं ना तो बड़े बच्चे का दिल ये होता है कि पहले हमें तैयार करो। तो आजकल तो जो है ना जोहेब का यही रूटीन हो गया है, अब ये नहाने के बाद सोते नहीं हैं, तो इनको इस तरह से जो है ना लेकर घूमना पड़ता है। तो मैंने इसलिए वॉकर निकाल दिया था, और मैंने जो है जोहेब को यहाँ पर सपोर्ट से बिठाया है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं बिठाया है। तो ये सपोर्ट की वजह से ना अच्छे से बैठ जाते हैं, और मैंने उनको नीचे पैर में भी सपोर्ट दिया है ताकि उनके पैर नीचे लटके नहीं और ज़मीन को टच ना हो। तो ये देखिए अभी जो है हिमांत भी फ्रेश होकर आ गए हैं, और ये मुझे बोल रहे थे कि ये ना जुम्मा वाली कंघी है, जुम्मा वाली। तो मैं पूछ रही थी कि जुम्मा वाली कंघी ऐसी होती है कि पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया है कि इस तरह से जो है ना बाल बनाना, यानी कि जुम्मा के दिन बनाते हैं। तो ये हिमांत की जो है ना यहाँ पर मस्ती चल रही है। तो अभी जो है ना मैं भी जाऊँगी फ्रेश होने के लिए, उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा खाना बनाने के लिए आज लेट हो गया है, क्योंकि मैंने फ्रिज की जो डीप क्लीनिंग की है ना उसमें मेरा टाइम निकल गया, और बच्चों को नहलाने वगैरह में तो और ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपना लंच, जो कि बहुत ही क्विक एंड ईजी बनेगा, बस 10-15 मिनट में हमारा लंच बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्प्राउट्स, यानी के क्या कहते हैं हमारे यहाँ पर इसको, मटकी, हमारे यहाँ पर जो है ना इसको मटकी बोलते हैं, तो वो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, और उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और कड़ी पत्ता ऐड किया था, और उसको चटकने के बाद हमने ऐड कर दिया है। यहाँ पर एक बड़ी साइज़ की मैंने प्याज ली है, प्याज को हम अच्छे से ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई कर लेंगे। और मैंने 3 मीडियम साइज़ के यहाँ पर टमाटर काटे हैं जो हमारे आगे ऐड होने वाले हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए। तो ये देखिए ये है हमारी मटकी, और मटकी जो है ना बहुत ही फ्रेश है, और ये मिक्स मटकी है। इसमें जो है चने हैं और वटाने हैं और कुछ नहीं बस। तो ये सब चीज़ों को जो है ना मैं वॉश कर लूँगी, और मटकी जो है ना फ्रेश होती है ना तो खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप भी हमेशा कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश मटकी मिले, अदरवाइज़ क्या हो जाता है कि सब्ज़ी वाले हम लोगों को ऐसे ही फ्रेश बोलकर दे देते हैं, लेकिन फ्रेश मटकी में जो है स्मेल नहीं आती है। तो आप लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हैं टमाटर, इसके बाद जो है ना हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड करूँगी ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो जल्दी से गल जाए।
और ये बहुत ही ना टेस्टी लगती है खाने में। और इसके बाद मैंने ऐड कर दिया है हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टेबलस्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करके तब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते और मसाला हमारा अच्छे से पक नहीं जाता। थोड़ा सा पानी भी मैं इसमें ऐड करूँगी, अदरवाइज़ जो मसाला है वो नीचे से लग जाएगा। तो चलिए कवर करके हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए जो हमारा टमाटर है वो अच्छे से गल गए हैं, मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने आलू रखे हुए हैं। आलू मैंने पहले इसमें ऐड नहीं किए हैं, अदरवाइज़ मैं इसमें सीटी लगाने वाली हूँ तो आलू ज़्यादा गल जाते, तो इसलिए मैंने आलू बाद में ऐड किए हैं। तो जो हमने मटकी को वॉश करके रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और मटकी ऐड करने के बाद जो है हम इसको हाई फ्लेम पर इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो मसाला है वो मटकी में अच्छे से लग जाए। और हमें इसको ज़्यादा सीटी नहीं देना है, बस दो सीटी में ये बन जाती है, बस 2 सीटी आने देना है। उसके बाद हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और इसका प्रेशर रिलीज़ होने तक हम इसको ओपन नहीं करेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से जो ना चलाते हुए हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे हाई फ्लेम पर। तो 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 ग्लास के करीब पानी यूज़ किया है। अगर आपको ज़्यादा पतली नहीं चाहिए कंसिस्टेंसी इसकी तो आप पानी ज़्यादा ऐड कर दें, और अगर आपको थोड़ी सी सूखी चाहिए तो पानी इसमें कम ऐड करें। तो अब हम इसका लिड लगा लेंगे और 2 सीटी हम इसमें आने देंगे। तो चलिए जब तक कि हमारी मटकी बनती है मैं यहाँ पर रोटी भी बना लूँगी। आटा मैंने पहले ही गूंद कर रख दिया था नमाज से पहले ही, तो फटाफट जो है ना मैं यहाँ पर रोटी बना लूँगी। तो अब हम कुकर को दूसरे वाले गैस पर शिफ्ट कर लेंगे और इसी गैस पर मैं रोटी बनाऊंगी। और मैं ज़्यादा रोटी नहीं बनाऊंगी, बस मैं यहाँ पर 4 रोटी बना रही हूँ, क्योंकि 1 रोटी तो जो है मैं हिमाद को दे दूँगी, सॉरी जो है बोल रही हूँ, तो 1 रोटी मैं हिमाद को दे दूँगी रोल बनाकर, क्योंकि हिमाद मटकी नहीं खाएंगे, उन्होंने पहले ही बोल दिया है मम्मा ये मैं नहीं खाऊँगा, लेकिन रात में उन्होंने खा लिया था चावल के साथ में, तो इसलिए जो है ना अभी फ़िलहाल तो जो है ना मैं उनको रोल बना कर दूँगी। तो चलिए फटाफट हम रोटी बना लेते हैं। और मेरी जो रोटी होती है वो हमेशा बहुत ही फूली फूली बनती है, तो बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि आप कैसे बनाते हो। तो सिंपली जो है ना आटे को गूंदने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देना होता है, तो इससे जो है रोटी अच्छे से फूलती है और टेस्टी भी बनती है। टेस्ट तो खैर आटे में नहीं बल्कि गेहूँ में होता है, अगर गेहूँ अच्छे होंगे तो ही रोटी का टेस्ट अच्छा आएगा। तो चलिए फटाफट जो है ना हम रोटियों को सेक लेते हैं।
तो सब्ज़ी और रोटी मेरी बन गई है और मैं यहाँ पर हिमाद के लिए रोल बना रही हूँ। और जो आज का लंच है हमारा बहुत ही हेल्दी है, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो अंडा जो है ना मैंने फेंट लिया है, और बहुत से लोग मुझे पूछेंगे कि आपने ब्रेकफास्ट में भी अंडा दिया और लंच में भी अंडा दिया, तो फ़िलहाल तो जो है ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए जो है ना मैंने हिमाद को भी ये रोल बना कर दिया है, क्योंकि उन्हें वो सब्ज़ी खानी ही नहीं थी। तो ये देखिए मैंने जो है ना अंडा डाल दिया है इसमें, और इस पर जो है ना मैं रोटी रख दूँगी ताकि जो अंडा है वो रोटी पर स्टिक हो जाए। और जो कल मैंने सीख बिरयानी बनाई थी उसके 4 से 5 जो है ना सीख बचे हुए हैं, तो उसी सीख का जो है मैं यहाँ पर रोल बना रही हूँ, और दूसरा मैंने कुछ नहीं लिया है। तो जो फ़िलहाल घर में मेरे पास चीज़ें अवेलेबल है घर में, उसी का मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ककड़ी और टमाटरों को काट लिया है, प्याज मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हिमाद को प्याज पसंद नहीं है, तो रोल के तो जो है ना वो टमाटर भी नहीं खाते, टमाटर भी जो है ना वो निकाल निकाल कर खाते हैं जब मैं उनको रोल बना कर देती हूँ तो। लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर दिया है, क्या पता खा लें। तो ये देखिए मैंने इसमें भी ककड़ी और टमाटर ऐड किए हैं, ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें सॉस डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें मेयोनीज डालूँगी, और उसके बाद हम इसको रोल कर कर दे देंगे। तो ये देखिए है हमारा आज का लंच, आप भी आइएगा लंच करने के लिए। और ये हमारी रसमलाई है जो कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था, लेकिन सर्व करते हुए मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो चलिए आज का व्लॉग बस इतना ही है, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।